हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईक्यू वर्ल्ड। दोस्तों, आप भी चाहते होंगे कि आपका भी सिलेक्शन तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा सचिवालय सहायक के पद पर हो जाए। और दोस्तों, इसके लिए आपको कठिन तपस्या, कठिन तैयारी करने की जरूरत है। और अगर दोस्तों आपको आपकी जो तैयारी है अभी तक नहीं हो पाई है, तो आप भी चाहते होंगे कि इस परीक्षा का डेट अगर एक दो महीना और बढ़ जाता तो तैयारी बेहतर ढंग से हो पाती। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि परीक्षा के जो डेट हैं वो बढ़ने वाले हैं, कितने बढ़ने वाले हैं, क्यों परीक्षा के डेट बढ़ने वाले हैं, सारा चीज इस वीडियो में मैं आज बात करने वाला हूं। और दोस्तों, डेट के साथ साथ और भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आज बताने वाला हूं जिसको आप लोगों को 100% जानना चाहिए। तो इस वीडियो में आप लोग अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट बात होने वाली है। आप अगर चाहते हैं कि सचिवालय सहायक बने, आप बीएसएससी सीजीएल थर्ड सीजीएल के थ्रू सचिवालय सहायक बने, या आप चाहते हैं कि योजना सहायक बने, मलेरिया निरीक्षक बने, या आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, या आप अंकेक्षक बनना चाहते हैं, किसी भी पोस्ट पर अगर आप एसएससी थर्ड सीजीएल के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। इस अवसर को अगर आप गंवा देते हैं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताऊंगा जो कि आपको 100% जानना ही चाहिए। और दोस्तों, आपको सचिवालय सहायक बनने में, योजना सहायक बनने में आपको हर तरह से ये सब बातें आपको हेल्प करेंगी, तो आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है, पूरा वीडियो को। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि ये जो परीक्षा है उसकी प्रकृति कैसी होगी। परीक्षा का डेट तो 100% बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्यों बढ़ेगा ये भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग परीक्षा की प्रकृति देख लेते हैं। एक बार रिकॉल आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन मैं आपको एक बार रिकॉल करा देता हूं। देखिए, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की जो प्रकृति होगी, वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक अगर आवेदन प्राप्त होते हैं किसी भी परीक्षा में जो बिहार सरकार लेती है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग लेती है, तो उसमें मुख्य परीक्षा का प्रावधान किया जाता है। अधिक आवेदन होने पर प्रारंभिक परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है, ठीक है। अब देखिए, एक चीज और, बहुत सारे क्वेरीज आते हैं कि सर क्या इसमें नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अपनाया जाएगा या नहीं अपनाया जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम सामान्यीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाते हुए रिजल्ट तैयार की जाएगी। ये बात हो रही है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्री एग्जाम्स की, ठीक है। तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो होगा कि नहीं होगा, तो आपको क्लियर है कि नॉर्मलाइजेशन प्री परीक्षा में 100% होना ही है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा एक शिफ्ट में संभव ही नहीं है। 9 लाख 12 हजार स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म भर रहे हैं, तो 9 लाख 12 हजार स्टूडेंट का एक शिफ्ट में कराना यहाँ पर संभव नहीं है। तो यहाँ पर दो डेट में होंगे, दो डेट में चार शिफ्ट में होंगे, दो डेट में दो शिफ्ट में होंगे। चार शिफ्ट में होते हैं तो भी नॉर्मलाइजेशन होगा, दो शिफ्ट में होते हैं तो भी नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन होना 100% यहाँ पर तय है, ठीक। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना, देखिए यहाँ पर 5 गुना जो है मेंस के लिए यहाँ पर सिलेक्ट होगा। 2200 अगर सीट है तो लगभग 11,000 के आसपास मेंस के लिए सिलेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। और मुख्य परीक्षा के लिए जो विज्ञापन है वो अलग से प्रकाशित किया जाएगा, और जिसका फॉर्म जो है मार्च के आसपास में भराने का यहाँ पर कैलेंडर में बात किया गया था, ठीक है। अब देखिए, कुछ प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो भी देख लेते हैं। देखिए, पैटर्न जो है सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान और गणित पूछा जाएगा, और मानसिक जांच क्षमता यानी कि रीजनिंग पूछा जाएगा। जीके, विज्ञान और गणित और रीजनिंग, 3 सेक्शन होंगे उसमें, ठीक है। टोटल 150 प्रश्न होंगे, सारे बहुविकल्पीय होंगे। टोटल 150 प्रश्न होंगे, सही उत्तर के लिए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। परीक्षा 2 घंटे 15 मिनट की होगी, ठीक है, और भाषा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में यहाँ पर होगा। लेकिन अगर अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम का कोई प्रश्न अगर गलत मिलता है तो अंग्रेजी माध्यम में अगर प्रश्न सही है तो वही मान्य होगा, ठीक है।
आप देखिए इसमें बुक भी ले जा सकते हैं, कौन कौन से बुक ले जा सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए तीनों सेक्शन के लिए एक एक बुक ले जा सकते हैं, सामान्य अध्ययन के लिए एक बुक ले जा सकते हैं, गणित खंड के लिए एक बुक ले जा सकते हैं और सामान्य विज्ञान खंड के लिए एक बुक ले जा सकते हैं। यानी कि तीनों के लिए आप अलग से एक एक बुक ले जा सकते हैं, यानी टोटल तीन बुक जो है एग्जाम के परीक्षा हॉल के अंदर ले जा सकते हैं। लेकिन बुक ले जाने कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन आप ले जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये बुक फंसा देगा एग्जाम के अंदर, आप खोजते रह जाएंगे, आपका अच्छे अच्छे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, टाइम नहीं मिल पाएगा, इसके लिए यहाँ पर बुक ले जाने का यहाँ पर प्रावधान किया जाता है, ठीक है। रीजनिंग के लिए आप कोई बुक नहीं ले सकते, रीजनिंग का कोई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक यहाँ पर नहीं होता है। देखिए एनसीईआरटी बीएसईबी या आईसीएसई का ही आप टेक्स्ट बुक ही ले जा सकते हैं, कोई आप गाइड या कोई हाथ से लिखा हुआ नोट्स या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये सब आप नहीं ले जा सकते हैं, ठीक। आगे देखिए सिलेबस देख लीजिए, एग्जाम का सिलेबस क्या है, सिलेबस देखिए सामान्य अध्ययन में सिलेबस देख लीजिए क्या क्या है। समसामयिक विषय, सामान्य अध्ययन देखिए समसामयिक विषय होगा, भारत और उसका पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए सामान्य विज्ञान और गणित में कैसा सिलेबस है वो देख लीजिए। सामान्य विज्ञान में देखिए भौतिक रसायन और जीव विज्ञान और भूगोल, भूगोल को भी सामान्य विज्ञान में माना गया है और सारे जो है यहाँ पर टेंथ लेवल के ही रहेंगे। गणित में देखिए संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे जाएंगे, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन से, दशमलव, भिन्न, साधारण भिन्न, ठीक है। उसके बाद बीच प्रश्न संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि से प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर एडवांस मैथ का बात कहीं पर नहीं किया गया है, लेकिन दोस्तों एडवांस मैथ से भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इसलिए एडवांस मैथ को भी आपको इग्नोर करके नहीं चलना है। मैंने एसएससी, बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय का प्रीमेंस सभी एग्जाम दिया है, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा एडवांस मैथ के क्वेश्चन, अल्जेब्रा के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन सिलेबस में यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पर देखने को मिलेंगे, इसके लिए आपको इग्नोर करके नहीं चलना है, सबको आपको ध्यान में लेके चलना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर खंड ग में रीजनिंग पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन खंड ग के 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद खंड ख के 50 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद खंड क के 50 क्वेश्चन, तीनों 50 में 150 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रहेगा, सामान्य वर्ग का 40% आया तभी क्वालिफाई होंगे, पिछड़ा वर्ग का 36.50, अत्यंत पिछड़ा का 34%, अनुजाति जनजाति का 32%, महिला सभी वर्ग का 32% और दिव्यांग सभी वर्ग का 32%, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपको जानना चाहिए था, तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको रिकॉल करा दिया है। अब हम लोग चलते हैं उस नोटिस पर जिसमें एग्जाम नोटिस, एग्जाम का डेट क्यों बढ़ने वाला है, इसका बात हम लोग करने वाले हैं। देखिए दोस्तों ये जो नोटिस है, 20/11/2018 का नोटिस है। आप सोचेंगे कितना पुराना नोटिस हम क्यों दिखा रहे हैं, देखिए आपको समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को देखते रहिए। 20/11/2018 का नोटिस है, ये जो नोटिस है फर्स्ट इंटर स्तरीय प्री एग्जाम का, प्रारंभिक परीक्षा का नोटिस है, फर्स्ट इंटर स्तरीय का, बीएसएससी फर्स्ट इंटर स्तरीय जो एग्जाम हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा उसका नोटिस है। देखिए प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014, ठीक है। ये जो नोटिस है 20/11/2018 के डेट में यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। देखिए प्री जो एग्जाम था वो 8/12, 9/12 और 10/12 को यहाँ पर निर्धारित किया गया था, जिसका प्रवेश पत्र जो है आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था, ठीक है। 22/11 से अपलोड रहेगा, उसको आपको डाउनलोड करना रहेगा, ये यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। और जो देखिए एग्जाम है 8/12 से, नोटिस आ गया है 20/11 को, यानी कि एग्जाम से 18 दिन पहले यहाँ पर नोटिस आ गया है कि आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आपका एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है। आप देखिए आपका एग्जाम जो शेड्यूल है 26 और 27 नवंबर को, बीएसएससी थर्ड सीजीएल का 26 और 27 नवंबर को एग्जाम शेड्यूल्ड है। आज है तारीख 6 तारीख, कल हो जाएगा 7 तारीख। अगर 7 तारीख तक नोटिस नहीं आता है, 7 तारीख तक अगर नोटिस नहीं आता है तो आपका एग्जाम का डेट 100% बढ़ेगा, ठीक है। एग्जाम का डेट बढ़ के जाएगा कहाँ दोस्तों, कभी भी आप देख सकते हैं बीएसएससी में एग्जाम का डेट बढ़ता है तो 1 से लेकर 1.5 महीना तक बढ़ता है, यानी कि आपका एग्जाम जो है 2023 में, एक बार अगर डेट बढ़ गया जनवरी 2023 में आपका एग्जाम चला जाएगा, उससे पहले होने का कोई उम्मीद नहीं रहेगा। कल तक शाम तक देख लीजिए, कल शाम तक अगर कोई नोटिस नहीं आता है साइट पे तो आप सोच लीजिए कि एग्जाम का डेट बढ़ेगा, और आप उसी नोटिस का वेट करना पड़ेगा आपको जो एग्जाम का डेट बढ़ने का नोटिस कब आता है, ठीक है। और जिसकी तैयारी नहीं है वो तो चाहते हैं कि डेट बढ़े, क्योंकि यहाँ पर 9 लाख स्टूडेंट में
850,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि डेट बढ़ जाए। तो देखिए आपकी उम्मीद है डेट बढ़ने की, क्या होता है, डेट बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है। तो बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।